जहांगीर साउथ बेस 0321-2191। जब किसी का लखते जगह लापता हो जाए तो उसके ऊपर क्या कयामत बीतती है इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गुलशन हदीद के रिहायशी खलील अहमद का 8 साल का बेटा सुभान 14 अगस्त 2017 की शाम घर से खेलने के लिए निकला और फिर नहीं लौटा। मोहम्मद सुभान जो भाइयों में सबसे छोटा और अपने वालिद का लाडला था, क्योंकि इसकी पैदाइश के बाद इसकी वालदा का इंतकाल हो गया था और खलील अहमद ने माँ और बाप दोनों का प्यार देकर इसे पाला था। मगर 14 अगस्त की ये शब जहाँ सब खुशियां मना रहे थे, इस घराने के लिए बहुत भारी थी। बच्चों की गुमशुदगी, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें बड़ी वजूहात हैं इनका रास्ता भूल जाना, लापता हो जाना, या फिर कोई अगवा, या फिर अपनी मर्जी से घर से फरार हो जाना। क्या इन तीनों में से किसी एक वजह की बिना पे सुभान अपने घर से गायब था? इसके दो बड़े भाई गासिफ और अफवान अपने वालिद के साथ अपने लाडले भाई की गुमशुदगी को लेकर सख्त अजियत में मुब्तला थे। इलाके में सुभान की गुमशुदगी की खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद थाना स्टील टाउन में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। आखिर कहां गया मोहम्मद सुभान? हेलो, हाँ बेटा, क्या बोल? अच्छा, चलो चलो वहां पे भी जाके पता कर लो जल्दी। चलो ओके, अल्लाह अल्लाह। अब्बा, मैंने उसके सारे दोस्तों के घरों में पता कर लिया, पर किसी ने भी सुभान को शाम के बाद नहीं देखा। मैंने गासिफ को भी अभी बोला कि एडी सेंटर वगैरह में सब जगह जाके मालूम करें, पता नहीं कहाँ चला गया यार। अंकल, मैं दोबारा थाने गया था, पुलिस वाले ऐसे काम नहीं करते। मैंने काउंसलर से बात करवाई है, सुबान मिल जाएगा, दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इतना कर रहे हो हमारे लिए, कैसे करेंगे तुम्हारा? नहीं अंकल, गासिफ अपना भाई है, आप तो मेरे अपने हो, आप दुआ करें सुबान मिल जाए, हम तो अपनी कोशिश में लगे हैं पूरे। या अल्लाह, किस आजमाइश में डाल दिया है मेरा भाई, या अल्लाह। साहब, पूरा एक दिन गुजर गया, बच्चा नहीं मिला, आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने? आपकी कंप्लेंट हमने लिख ली है, दर्ज कर ली अपने थाने में, इंशाल्लाह बच्चा जैसे ही मिलता हम आपको फौरी तौर पे बताएंगे। कब मिलेगा सर बच्चा? मैंने काउंसलर से फोन भी करवाया आपको।
देखिए कॉल तो मेरे पास आ गई है, आप 24 घंटे से ढूंढ रहे हैं, 2 घंटे पहले आपने हमें कंप्लेंट दिए, हमने तमाम इदारों को तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। मैंने केबिल पे इश्तेहारात भी दे दिया, आप शायद उसमें आप लोगों की हेल्प हो जाए। इससे हमारा ही फायदा है, अगर कोई होगा तो हमें इतला देगा तो हम आपको फौरन इस चीज़ के लिए इतला देंगे। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम अपने तरीके से करेंगे, हम आपके तरीके से तो नहीं करेंगे। जी सर, कौन लोग थे और कुछ और मचा रहे? सर वो 8 साल का जो सुभान है ना, उसके केस के लिए आए थे, उसका भाई आया हुआ था और वो एक जो इसके साथ था ना वो ज़्यादा ही उछल रहा था। मुझे कुछ शोर कर रहा था। जी सर, भाई नहीं था ये, उसका दोस्त था जो ज़्यादा शोर कर रहा था। जी सर, शोर ज़्यादा कर रहा था वो? जी था। जी सर, उसको ज़्यादा फिक्र है। मुझे तो वो ज़्यादा ही लग रहा है इसके अंदर, घर से ज़्यादा इसको ज़्यादा टेंशन है। चेक करो ज़रा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। 8 साल मासूम सुबान को खोए हुए अब 2 रोज गुजर चुके थे। 14 अगस्त से लेकर अब तक इस घर में सिर्फ परेशानी और अजियत का राज था। आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ? यहाँ पर आ तो किले की तरफ, जंगल की तरफ आ। हाँ तो सही भाई, तुझे मैं बताऊँ, आ जल्दी या पहुँच। ब्रेक से पहले आपने देखा 14 अगस्त 2017 गुलशन हदीद से 8 साल मोहम्मद सुभान लापता हुआ, जिसका कोई सुराग नहीं मिल सका। सुभान के भाई और बाप ने इसकी तलाश में दिन रात एक कर डाले। तलाश तलाश तलाश, इस तलाश की थकन और नाउमीदी के सुकूत को एक फोन कॉल ने झिंझोड़ कर रख दिया। हेलो आसिफ, कहाँ पर है? यहाँ पर आ तो किले की तरफ। हाँ तो सही भाई, तुझे मैं बताऊँ, आ जल्दी या पहुँच। अजियत में छुपा इंतजार क्या खत्म होने वाला था? आखिर हुआ क्या है? आसिफ के दोस्त तसव्वुर ने इसे टीले पे क्यों बुलवाया है? हेलो आसिफ, कहाँ पर है? यहाँ पर आ तो टीले की तरफ, जंगल की तरफ आ। हाँ तो सही भाई, तुझे मैं बताऊँ, आ जल्दी या पहुँच। हाँ हाँ, किले की तरफ आ। तसव्वुर ने यहाँ कुछ देखा है, जिसके बाद वो गासिफ को फोन करके फौरी तौर पे बुला रहा है। क्या तसव्वुर को सुभान मिल गया? थोड़ी ही देर में गासिफ अपने भाई के साथ वहां पहुंच गया। सुभान, सुभान, क्या हुआ है आपको? सुभान, 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 नहीं, नहीं ये सुभान नहीं, नहीं ये सुभान नहीं, और से देख सुभान, नहीं, और से देख, ये सुभान नहीं, सुभान है, सुभान, सुभान नहीं, सुभान है। हेलो, हेलो इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब जल्दी से यहाँ पर आ जाए, टीले के पास मेरे भाई की लाश मिली। इंस्पेक्टर साहब जल्दी पहुंचे। आसिफ, मेरे को बहुत जरूरी काम है, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं होके आता हूँ, मैं बस जैसे काम फारिग होगा मैं आता हूँ यहाँ पर, यही बैठ इस टाइम पर, टेंशन नहीं ले, मैं हूँ, मैं आता हूँ, मुझे जरूरी काम है, मैं वहाँ से होके आ रहा हूँ।
मुझे जाना बहुत जरूरी है। इस टाइम तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? मुझे जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाना बहुत जरूरी है गासिब, समझ बात को, समझ। सही, मैं आता हूँ। बॉडी को हिलाने में कोई बच्ची की प्रॉब्लम होगी, आप मेरे साथ आएँ। हाय दोस्त, सबसे पहले बॉडी किसने देखी थी? मैं दोस्त, मेरे दोस्त तसव्वुर ने। तसव्वुर ने इस वक्त कहाँ है? तसव्वुर गया। कहाँ गया दोस्त? भी बोला मैं किसी काम से जा रहा हूँ। काम से जा रहा हूँ? ये आपके भाई हैं? मेरा भाई है। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जल्द इंशाल्लाह जो भी इस मामले में मुलव्वज़ हैं उन लोगों को गिरफ्तार करेगी और क्या तरीके से तक पहुँच जाएगी। आप हौसला रखें, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ और पोस्टमार्टम होगा इसका। थोड़ा सा आप हौसला रखें, मैं कॉल देता हूँ, अभी एम्बुलेंस होगी आ जाएगी तो इंशाल्लाह हम पोस्टमार्टम के बाद सही बता सकते हैं कि बच्चे के साथ हुआ क्या। आप हौसला रखें। हाँ संतरी, एम्बुलेंस भेजो टीले पे। हाँ टीले पे एम्बुलेंस भेजो, एक बॉडी मिली है बच्चे की। हाँ जल्दी भेजो। अपने लाडले की गुमशुदगी की तकलीफ उम्मीद का लिबादा उतार चुकी थी, जिसके बाद बाप और भाइयों के इंतजार की अजियत मातम में बदल गई। 8 साल मासूम सुभान ना तो घर से भागा था, ना ही ये रास्ता भूला था और ना ही इसका अगवा हुआ था। ना सिर्फ शहर में बल्कि पूरे मुल्क में ना जाने कितने बच्चे इस तरह गायब होते हैं जो कभी घर नहीं लौटते। सुभान की तलाश का इख्तिताम हुआ, मगर इसके बाद एक और तलाश का आगाज होना था और वो थी इसके कातिल की तलाश। जी 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 ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे। ओके ओके। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। आपके बच्चे का हमें बहुत अफसोस है, बी बच्चे वाला मैं भी हूँ, मुझे भी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, आपकी तकलीफ तक पहुँच नहीं सकता, लेकिन मुझे एहसास है सर आपको इसलिए ज़हमत दी कि आपको किसी पे शक रहा हो बच्चे के गायब होने के बाद, कुछ ऐसा हुआ हो जो पहले कभी ना हुआ हो, कोई ऐसा शख्स आया हो, कोई मुतालबा आपसे फ़ोन पे कभी किसी ने किया हो, किसी से दुश्मनी, किसी पे शक, मोहल्ले में किसी से कोई और नाचाकी, कोई बदकलामी? नहीं नहीं, मोहल्ले वगैरह में किसी से भी बातचीत ऐसी नहीं थी, आना जाना था घर पे सब लगा, वैसे भी कोई दुश्मनी वगैरह किसी से भी नहीं। सोच के तसल्ली से, मतलब जितनी आप हमारी मदद करेंगे उतना ही केस जल्दी सॉल्व होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी पे शक हो या किसी पे कोई हो, किसी से कोई बात हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक ठीक ठीक, आपको तो मैं जानता हूँ, मुलाकात हुई है, आपको भी जानता हूँ, वो भी भाई है बच्चे का। ये साहब आप? मैं गासिफ का दोस्त। गासिफ का दोस्त? अच्छा, आप वही हैं ये जिन्होंने बॉडी को सबसे पहले देखा था? जी सर, ये वही। इन्होंने ही इत्तला दी थी आपको? जी सर, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और घर में हमारा आना जाना लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्त आप उस दिन कहाँ चले गए थे? सर मैं ज़रूरी काम से चले गए। ज़रूरी काम से चले गए, कहाँ गए थे? सर मैं ज़रूरी काम से मेरे में चला गया। आप 14 अगस्त वाले दिन कहाँ थे? सर मैं दोस्तों के साथ गया था। दोस्तों के साथ कहाँ गए थे? दोस्तों के साथ सर घूमने गया था रैली में। रैली में गए थे? ये भी आपके साथ होंगे दोस्त हैं आपके? नहीं सर ये नहीं थे। अच्छा ये नहीं थे आपके साथ, ठीक है ठीक है। सर हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो आ जाती है तो हम आपको बता सकेंगे कि कौन और क्या। कुछ लोगों के शुकों को शुबात हैं, हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी आपको वो दुश्मन बच्चे के हमारे आपके वो इंशाल्लाह रहमान जल्द से जल्द इन सलाखों के पीछे होंगे। रिपोर्ट आने के बाद मैं एक बार आपको और जहमत दूंगा।
साहिल पापा मैं 14 वर्ष में रेली में आऊंगा और चीज के पैसे भी ले आऊंगा और बैचे दो डंडिया खरीदूंगा। मेरे प्यारे बेटे आप ऐसे ले जाना पैसे डंडिया भी ले लेना बैचेस भी ले लेना लेकिन आप अकेले नहीं जाओगे किसी भाई को ले जाओ। तूफान 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 पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया था। इस सिलसिले में काफी लोगों से पूछगछ की गई, कुछ को थाने भी बुलवाया गया। हमने एक बंदा उठाया सर, उसे इंटरोगेट कर रहे हैं आपके बच्चे के मुतालिक, कोशिश कर रहे हैं कुछ उससे मालूमात हासिल हो सके। देखिए जरा मैं उसको बुलाता हूँ, आप में से कोई जानता है उसे? जाहिर जी सर, बंदे को लेके आओ। जी सर। देखें से आपके इलाके में होता है, पहले तो नहीं देखा था। नशा भी करता है, चोर भी है, चोरियों में मुलव्वज़ है, आप में से किसी को? सर मुझे इस पे शक है। आपको इस पे शक है? सर यही हो सकता है, 100% यही हो सकता है सर, आप इसको सजा दें, यही हो सकता है सर। बताओ ये ना, बैठो, जज्बाती नहीं हो, बैठो, हमें हमारा काम कैसे करना है हमें पता है, किसको सजा देनी है और किसको सजा नहीं देनी है, हमें हमारा काम करने दो। ले जाओ साहिल इसको। शक तो हमें और भी बहुत सारे लोगों पे, अभी हम बाहर वालों पे काम कर रहे हैं, अब हम घर वालों पे काम करेंगे। तेरे हाथ में क्या लगाई है? सर ये पट्टी है। मैंने तुझसे उस दिन पूछा था 14 अगस्त को कहाँ था? सर मैं गया हुआ था दोस्तों के साथ। कहाँ गया हुआ था दोस्तों के साथ? सर मैं रैली पे गया हुआ था। उस दिन भी तूने सही जवाब नहीं दिया, आज भी तू ये कह रहा रैली पे गया था। सर आप मेरे हमारे ही बंदे पर क्यों शक कर रहे हैं? बात सुने भाई, हमें हमारा काम हमारे तरीके से करने दें, बाहर का भी तो बंदा उठा के लाए हम, तो हमारे घर वालों पे क्यों शक कर रहे हैं? तो बच्चों की तरह हमारा बचपन से आ रहा है, हमें हमारे तरीके से काम करने दें। आपका तरीका जो भी होगा लेकिन बचपन से आ रहा है, ये तो बच्चों की तरह। मैं आपसे कह रहा हूँ हमें हमारे तरीके से, छोटे भाइयों की तरह आपको समझता था, आप इसी पे शक कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ हमें हमारे तरीके से काम करने दें, हमें जिस पे शुबा होगा हम उसे इंटरोगेट करने के लिए बुलाएंगे, और यहाँ तुझे खास तौर पे आना होगा जब जब तुझे बुलाया जाएगा, और आपको लाना पड़ेगा इसको, आपके घर का बंदा है ना, आप लेकर आएंगे। जा सकते हैं लोग। साहिल जी सर, क्या लगता है तुझे? तो बंदा डाउटफुल लगता है मुझे। तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? जी सर। ठीक है। सुभान के कत्ल पर पुलिस की तफ्तीश और शक किस किस पर था? आखिर वो कौन था जिसे कातिल मान के पुलिस अपना घेरा तंग कर रही थी, या फिर पुलिस सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया कर रही थी? इन सब का जवाब मिलेगा आपको एक ब्रेक के बाद। सर आपका इंतजार अब खत्म हो गया, हमने आपके बच्चे का कातिल पकड़ लिया। कौन कौन है? जाहिद बंदा लेके आओ। ब्रेक से पहले आपने देखा कि सुभान जो कि 14 अगस्त से लापता था, दो रोज बाद जिसकी लाश झाड़ियों से मिलती है, जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस के शक का दायरा या तो किसी के गिर्द तंग हो रहा है या फिर वक्त का ज़िया। तो
सच्चा बोला। हाँ भाई तबीयत ठीक हुई तेरी कुछ है? क्या गलती हो गई? सर अब सीधा सीधा बताएगा या मैं अभी फिर और इन लोगों को बोलूं तेरी खातिर करें थोड़ी? गलती हो गई? बच्चे को मारा तूने? बच्चे को मारा तूने? मारना नहीं चाहता था साहब, एक चुली लग गई साहब, उसको मारना पड़ा साहब। तुझे पता है तू फंसा कैसे? तेरे हाथों पे जो खून था ना खून, और तेरी चप्पल में जो था जो सही तरह धुला नहीं, उससे पकड़ा गया तू। तू तो बड़ा उधर शोर कर रहा था, इस पे शक है, इस पे शक है। अभी तेरे को समझ आई कुछ? शैतान आ गया था। अभी गया शैतान? नहीं गया है, गया नहीं गया अभी शैतान। गलती होगी साहब, ऊपर देख साहब, गलती होगी सर। बचेगा ही नहीं आइंदा। आला कतल कहाँ है? बता बता, लगा हूँ अभी तेरे टीले पे। जहाँ बच्चे की लाश मिली थी वहीं बैठा है? जी सर। चलो भाई पार्टी भेजो वहां पे और आला कतल बरामद करो, लेकर आओ, फिर इसको देखते हैं इसका क्या करना है। लगाओ इसको और पॉलिश करो इसकी। क्या मालिक, क्या मुलजिम ने तफसील से बताया कि इस रोज हुआ क्या था। सुभान जो कि रैली में जाने के लिए निकला था, इस शख्स के हाथ लग गया। आया रे सुभान, मैं रैली में जा रहा हूं, आओ मैं तुम्हें लेके चलूंगा। जिसके बाद वो इसे जबरदस्ती ले जाने लगा, जिस पर सुभान ने मुजामत की, जिसके बाद इसने भांडा फूट जाने के खौफ से इंतहाई सफाकी से इसकी जान ली। आप बैठे, अभी अभी मैं आपको सब बताऊंगा, पूरी डिटेल बताई जाएगी। आप बताएं कौन है वो? देखना चाहेंगे? बिल्कुल दिखाएं। जाहिद बंदा लेके आओ। सब कौन है ये? सर आप फिर हमारे ही बंदे पे शक कर रहे हैं सर। बैठ जाए, अभी पूरी डिटेल आपको मिलेगी, बैठ जाए। आप उस दिन भी जज्बाती हो रहे थे, हमारे काम में मदाखलत नहीं करें। ये है आपके भाई का कातिल, बताओ ए, कैसे मारा तूने बच्चे को? गलती हो गई सर। गलती हो गई? बता इनको कैसे मारा है? तूने मारा मेरे भाई को? तूने मारा मेरे भाई को? क्यों मारा मेरे भाई को तूने? बैठे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। बैठे आप, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। बैठे, बिठा इनको। सर ये वो आला कतल है जो आपके बच्चे को मारने के लिए इसने इस्तेमाल किया। मैं पहले दिन से इसे शक, इस पे शक था। आप बार बार हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदाखलत कर रहे थे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुमने हमारे साथ ऐसा किया, माफ कर दो मुझे। क्या किया था बच्चे के साथ? गलती हो गई। कैसे मारा? छुरी कहाँ मारी थी पहले बता इनको। सर पेट पे मारी थी, उसके बाद साहब मारना मजबूरी बन गई थी। नहीं बता, नहीं मारता तो साहब वो उसको बता देते अपने भाइयों को। बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको साहब। एक बार माफ कर दो साहब। जब तुम बच्चे का गला काट रहे थे तो बच्चा दर्द से तकलीफ से तड़प रहा होगा। सर मैंने उसे मुंह पे हाथ रखा हुआ था।
मुलजिम और थानेदार का बयान और तरीके वारदात इसके मुंह से सुनिए। मुलजिम जो अपना इल्जाम खुद कबूल कर रहा है, जरा इसका बयान मुलाहिजा कीजिए। सर उसको मैं ले गया था बाबर अहमद से फेज टू से ले गया फेज वन वाली पहाड़ी पे तो मैं उसके करना चाहता था लेकर फिर मैंने कहा मैंने इसको छोड़ दिया ये घर बता देगा तो इसलिए मैंने ना कहने उसको छुरी मार दी। सर एक मासूम बच्चे पर छुरी फेरने के सफाक अमल की ये कैसे वजाहत कर रहा है? तुमने क्या पहले उसके कमर पर छुरी मारी उसके बाद फिर उसको? जी पहले कमर पर मारी फिर गले में मारी। सर उसके घर वाले से तुम्हारी कोई ज़ाती दुश्मनी थी? नहीं उसके भाई से मेरी दोस्ती थी। जी भाई से दोस्ती थी उसके बावजूद उसके उस बच्चे को तुमने कत्ल किया? जी सर। केबल पे पट्टियां चलवा रहे थे कि बच्चा गुमशुदा है ये सारे ड्रामे तुम कर रहे थे क्योंकि उन लोगों की सिंपति हासिल करने के लिए मैं तुम लोगों के साथ हूँ। साथ था उनके। और तदफीन पे भी थे? जी जनाजे पे भी था। जब तुम बच्चे का गला काट रहे थे तो बच्चा दर्द से तकलीफ से तड़प रहा होगा, तुम्हें उस वक्त कोई एहसास नहीं हुआ, कोई तुम्हारे अंदर इंसान नहीं जागा? सर मैंने उसके मुँह पर हाथ रखा हुआ था और बस मैंने हाथ रखा हुआ था उसने कोई सांस नहीं ली। तुमने बच्चे की लाश कहाँ फेंकी थी? लाश साथ ही रख दी थी झाड़ी में। सर जहाँ पे जिब्बा की तो साथ ही झाड़ी पे रख दी थी। फिर उसके घर वालों के साथ मिलकर तुम जो है बच्चे को ढूंढने के लिए निकल रहे हो, सारे तुमने ड्रामे किए, इधर घूम रहा हूँ उधर घूम रहा हूँ मेहनत कर रहे हो। सर आप हमें प्लीज़ बताएंगे कि इस बेरहम मुजरिम की गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई? इसकी हरकत मशकूक थी, डरा हुआ था, खौफ ज़दा था और फिर ऐसी ऐसी हरकतें इसकी आ रही थी कि जिनसे शक होता था। फिर इसके जो लेफ़्ट साइड की उंगली है हाथ पे भी जो है वो इसके कट का निशान लगा हुआ था। उसके बाद इसके पाँव में पहनी हुई जो चप्पल है जो पुलिस के कब्ज़े में है वो उस वक्त उस पर खून का धब्बा लगा हुआ था जिसको पुलिस ने फॉलो किया और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इस मुलजम तक पहुँचे और इसकी गिरफ्तारी भी अमल में आई। आला कत्ल भी इससे बरामद हुआ, खून आलूद कपड़े भी बरामद हुए। अच्छा सर आपने बताया था कि कब्रिस्तान में जब तदफीन कर रहे थे उस वक्त आपकी नज़र इसकी चप्पलों पर पड़ी थी? उस वक्त मैंने देखा कि इसकी चप्पल में एक मिटा हुआ हल्का सा दाग खून का था। अब उसको जब हमने फॉलो किया फिर FIR दर्ज कराने के लिए उनके साथ आया तो थोड़ा सा हमें भी इस पर शक हुआ क्योंकि इसी मुलजम ने ही डेड बॉडी की निशानदेही की थी। जब निशानदेही की तो उस वक्त ये ख़ुद नहीं आया और सबसे बढ़ के ये हुआ कि इसने जो जुल्म किया था ये अपने अंजाम को इंशाल्लाह ताला पहुँचेगा। एक मासूम को जिस बेदर्दी सफाकाना तरीके से इसने कत्ल किया है ये इंशाल्लाह अदालत में जाके सज़ा कानून के मुताबिक इसको ज़रूर मिलेगी। और फिर इसने भी ख़ुद कबूल किया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। जो दर्दनाक कहानी है वो जो आपको सुना रहा है बिल्कुल ये सच है और ये जानना नहीं चाहिए। अपने इर्द गिर्द नजर रखिए, ऐसे लोग सांप से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब आपकी बात करवाते हैं मासूम सुभान के वालिद खलील अहमद से। तकलीफ है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तो मैं इसमें मुझे सकत नहीं है मैं बोलूं कि किस तरह से वा... अपने लाडले की मौत ने इस बाप को हलकान कर दिया है। वो अपने घर से रैली के लिए निकला है। असर की नमाज के बाद 7 बजे को रैली स्टील टाउन की तरफ जानी थी, उसमें वो गया है तो उसके बाद वो वापस घर नहीं आया। अच्छा आपको कैसे पता चला कि उस बच्चे का कत्ल हो गया? ये मुझे अभी तो जब वो घर से निकला है तो वो 7 बजे की रैली में चले गए हैं। मुझे इसका इलम नहीं था कि वो रैली को स्टील टाउन की तरफ जानी है। मैं 8:30-9 बजे के करीब घर से निकला हूँ। 8:30-8 बजे बच्चा खेल के घर आ जाता था तो वो जब वो आया नहीं है घर तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई। मैं बाहर निकला, मैंने बोला देखूँ उसको कहाँ खेल रहा है तो बच्चा गली में कोई नहीं था ना। उसके बाद वो मोहल्ले में कोई फंक्शन वगैरह हो रहे थे जश्न आज़ादी के तो मैंने बोला कि शायद उधर कोई फंक्शन में होगा तो मैं मोटरसाइकिल लेके निकला तो उसको तलाश करने लग गया तो मुझे बच्चा कहीं नज़र नहीं आया ना कहीं मिला है। अच्छा उसके बाद आपने जो है पुलिस को कंप्लेंट करी अपने बच्चे को तलाश किया? फिर जी सुबह 8-9 बजे के करीब जाके पुलिस को रिपोर्ट की है, उनको बताया है कि मेरा बच्चा कल इस तरह रैली के बच्चों ने बताया कि रैली में गया है तो फिर पुलिस वालों ने
अपने तौर पे भी तलाश की है, सब लोगों ने बड़ी वो उसके साथ मेरे साथ हमदर्दी की है। तो उसके बाद दो दिन के बाद उसकी लाश मिली है, तो उसके बाद फिर पुलिस वालों ने जो मुलज़म को पकड़ा है, टील टाउन पुलिस को बेहद मशकूर हूँ, उनको मैं सलाम करता हूँ। मेरे साथ पाक रेंजर, पाक फ़ौज और सब जितने भी कानून अदारे हैं उन्होंने बहुत तावन किए। जिसको भी पता चला है, मीडिया का मैं बहुत मशकूर हूँ, मीडिया वालों ने बहुत मेरे साथ तावन किया, गिरफ्तार करवा दिया है और उसका मुलज़म पकड़ा गया है। बस मेरी यही इल्तिजा है आप लोगों से कि इस मुलज़म को छोड़ें ना, इसको कैफरे करदार तक पहुँचाएँ ताकि किसी दूसरे बच्चे के साथ कोई ऐसा इंसान कोई जुल्म ना कर सके। अपने पालतू जानवरों पर भी छुरी फेरते लोगों के हाथ कांप जाते हैं, लेकिन ये सफाक दरिंदा, इसने जरा बराबर ख्याल नहीं किया कि जिसके गले पे ये वार कर रहा है वो एक 8 साल का मासूम और इसके दोस्त का भाई है। जुर्म की सफाकी और मुजरिम की चालाकी, आपने दोनों मुलाहिजा की। मुजरिम चाहे जितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कंट्रोल रूम से मैं हूं काशिफ सिद्दीकी, अगले हफ्ते तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।